हेलो बॉस, कैसे हो आप लोग? सब कुछ बढ़िया है? इस तरह का फ़ोटो आप हॉलीवुड और बॉलीवुड के फिल्मों में देखे होंगे, तो आज अपने फ़ोटो को कुछ इस तरह से बनाएंगे और इससे ऐसा फ़ोटो हम लोग किसी भी प्रोफाइल के लिए लगा सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी भी के लिए औसम लगती है देखने में। तो कुछ इस तरह का फ़ोटो आज हम लोग क्रिएट करेंगे अपने पिक्स आर्ट में। तो इस फ़ोटो को आज ले चलते हैं अपने पिक्स आर्ट में, सेंड कर लेते हैं। ये हमारा फ़ोटो पिक्स आर्ट में आ चुका है और फिर इसका बैकग्राउंड इरेज कर लेते हैं। मैंने पहले से इसे ब्लैक एंड वाइट कर लिया हूँ और इसे इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के लिए फर्स्ट वाले टूल्स का यूज़ करेंगे, इससे हमारा टाइम बचेगा बैकग्राउंड इरेज करने में। आप भी करिएगा, जल्दी से इरेज हो जाएगा बैकग्राउंड। मैंने इसे कर लिया हूँ और फिर थोड़ा सा मेरा पार्ट रह गया यहाँ पे फेस की तरफ, तो इसे जूम करके अच्छे से इसे कवर कर लेंगे, क्योंकि यही हमारे फ़ोटो में दिखेंगे। यहाँ पे जो मैं कवर करेंगे हम लोग, यही पे वहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे हार्डनेस को थोड़ा कम करके और साइज को थोड़ा सा कम करके और यहाँ से थोड़ा सा कलर को यहाँ पे अपने मैनेज कर लूँगा। यहाँ पे अच्छे से मैनेज कर लूँगा जूम करके। यहाँ पे नोज के पास अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर लेंगे और लिप्स के पास थोड़ा सा कलर रह गया मेरा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। आप भी ये ट्रिक अपने फोटो के साथ आजमाइए, बस 1 से 2 मिनट का काम है और आपका फोटो एकदम ऑसम लगेगा। ये यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप कर लेंगे और अच्छे से इसे इरेज कर लिया हूँ। समथिंग हो चुका है और इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद मेरा इस वाले को अब इस वाले टूल्स में आकर और ये कर्व वाले ऑप्शन को और यहाँ पे अपने को ग्राफ को नीचे कर देना है। मैं नीचे कर दिया हूँ और इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद ड्रॉ वाले ऑप्शन में आकर अपने फ़ोटो को इसको सेव कर लेना है। ये हमारा फ़ोटो सेव हो चुका है और सेव होने के बाद अब यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में आकर, फिट वाले ऑप्शन में आकर पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक ले लेना। आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे पीछे का बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ पे ब्लैक ले लिया हूँ, क्योंकि ब्लैक लेने पे ना फ़ोटो और दम ऑसम लगेगा। और इस फ़ोटो को हाइड कर लेंगे कहीं पे, इसे छुपा देंगे। इसे छुपाने के बाद अब टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आकर यहाँ पे एक डॉट ले लेंगे और इसे यहाँ पे अपने फ़ोटो पे सर्कल बना लेंगे वाइट कलर का। और यहाँ पे अपनी फ़ोटो को ऐड वाले ऑप्शन में आकर अपने फ़ोटो को यहाँ से ऐड कर लेंगे। ये हमारा फ़ोटो आ चुका है यहाँ पे, ऐसे थोड़ा सा जूम कर लेंगे, जहाँ पे हमारा अच्छा लगेगा वहाँ पे मैं जूम कर लिया हूँ और इसे जल्दी से एडजस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। जहाँ पे अच्छा लगेगा, ऑप्शन लगेगा, वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ब्लैक वाले को थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ मिड में, सेंटर में, और ये भी थोड़ा सा मैं और फोटो को यहाँ पे अच्छे से इसे मैनेज कर लेता हूँ। समथिंग हो चुका है और फिर ये इरेजर का टूल्स को यूज करके थोड़ा सा यहाँ पे जो वाइट है इसे इरेज कर लेंगे। यहाँ से भी थोड़ा सा इरेज कर लेंगे और इसे सेव कर लेंगे। फोटो मेरा ऑसम लग रहा है और इसके बाद इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद बस एक टूल्स का काम है इफेक्ट में आकर और यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट HDR टूल्स यूज करके ये बस सेव कर लेना है उस पर। और बस कुछ फ़ोटो इस तरह लग रहा है। तो आज का ट्यूटोरियल बस इतना ही और इस फोटो को सेव कर लेते हैं।
सेव करिएगा ये ड्रॉ वाले ऑप्शन में आकर, यहाँ पे फोटो स्ट्रिंग सेव होता है और इसे सेव कर लेंगे। और आज का ट्यूटोरियल इतना ही, मिलते हैं कल का ट्यूटोरियल के साथ सुबह मॉर्निंग 8 बजे, तब तक के लिए थैंक यू।